सीएम सारथी योजना को लेकर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने खुशी जाहिर की है और इसे सरकार की एक बड़ी पहल बताया है। उन्होंने कहा कि हमने एक और वादा पूरा किया। भोक्ता से बात की हमारे सहयोगी अजय लाल ने। सोरेन और राज्य के लेबर मिनिस्टर सत्यानंद भोक्ता ने कई दफे यह कहा था कि राज्य के युवाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और आज एक बड़ी तारीख है। आज राज्य के युवाओं को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राज्य के लेबर मिनिस्टर सत्यानंद भोक्ता। सर, जो कहा था पूरा किया आपने, कई मंचों से कहा कि प्रोत्साहन राशि युवाओं को देंगे, क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, आज का दिन खुशी का दिन है और जो हम लोगों ने वादा किया था कि युवा युवतियों के लिए हम लोग प्रोत्साहन कर में युवाओं के लिए 1,000 रुपया और युवतियों के लिए 1,500 रुपया हम लोग देंगे। आज उसको हम लोग धरातल में उतारने काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसके लिए पूरे में हम लोग डायरेक्शन भी देते हैं, सुझाव भी देते हैं कि जो हम लोगों ने वादा किया उसको हम लोग पहनाना है। सर, कई दफे ऐसा लगा कि शायद ये आप लोगों का चुनावी वादा है, हवा हवाई हो जाएगा, लेकिन देर हुई लेकिन धरती पर आया। अब पहले था 5,000 और 7,000, तो अब तो दुगना हो गया है। अब तो साल में हम बच्चियों को देंगे तो 18,000 होगा, युवाओं के लिए 12,000 होगा। सर, आप कौशल विकास के भी मंत्री हैं, हाल के दिनों में कई जिलों में रोजगार मेला लगाया गया। एक जो चीज़ सबसे बड़ी बात है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती और इसका सबसे बड़ा माध्यम है कौशल विकास। अरे, हम लोग COVID-19 में भी शिविर लगा करके हम लोग भर्ती कैंप लगा करके हम लोग कितने लोग रोजगार से जुड़े। और 14 तारीख को पलामू में भी हम लोग बताया कि लगभग 5,000 जो ज्योतियों जुड़े। तो सरकार ने जो एक्ट बनाया है 75% की शक्ति से लागू करना है, रोजगार से जुड़ना है, उस दिशा में हम लोग तेजी गति से काम कर रहे हैं। और एक जो चीज़ है कि निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को रोजगार देना है, कई कंपनी आगे आई, क्या कहना चाहेंगे ऐसे कंपनियों से, ऐसे उद्योग वालों से? देखिए, जितना कंपनियाँ हैं झारखंड में सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और जो हम लोगों ने कमेंडमेंट किया था, जो एक्ट बनाया उसको सब 100% अनुपालन हो रहा है। सर, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो आज प्रोत्साहन राशि लेंगे और या फिर ऐसे लोग जिनकी बारी आएगी? ठीक है, आज तो बहुत युवा युवतियों खाते में हम लोग है कि बहुत क्या कौन पैसा चला जाएगा और ये आज के बाद बंद नहीं होगा, ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। सर, बीच में कोई माध्यम भी बनेगा, दलाल, उस पर एक्शन या फिर सीधे सब कुछ DBT? तो DBT है तो डायरेक्ट बटन टिपा के खाते में पैसा जाएगा, इसलिए दलाल भी चलिया मुक्त रहेगा विभाग। तो आपको दिली तौर पे खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं आप कि और कुछ बेहतर हो सकता था? नहीं, जो हम लोगों ने जो कमेंडमेंट किया था उसको पूरा करने के लिए पूरा काम कर रहे हैं। ये थे राज्य के लेबर मिनिस्टर सत्यानंद भोक्ता। साफ शब्दों में एक ही बात, जो कमिटमेंट किया था वो पूरा कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में राज्य के युवा मुख्यमंत्री और लेबर मिनिस्टर सत्यानंद भोक्ता ऐसे ही कार से अपने विभाग के लिए एक ऐसी लंबी लकीर खींचेंगे जिस पर हम और आप नाच कर सकते हैं। कर्मण देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।